Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to discuss the preparation of alkyl halide. सबसे पहले alkyl halide chapter है हमारे पास second year की chemistry का. Alkyl halide. Alkyl halide क्या होते हैं? ये हमने पहले discuss कर दिया था कि alkyl halides वो होते हैं जो उनमें alkane और उसके derivatives present होते हैं. For example, alkyl R group alkyl हो गया और halide में halogens. Halogens में कौन-कौन से आ जाते हैं? Group 7 के members. Chlorine, bromine, iodine, fluorine. ठीक है, जितने भी इसके members हैं. ठीक है. इसके बाद इसकी secondary इसकी classification है secondary alkyl, secondary alkyl halide, primary. और इसके बाद tertiary. Primary में ये होता है कि सिर्फ एक ही alkyl group attached होते हैं. Secondary में दो. टर्शियरी में तीन अल्काइल ग्रुप. इसी तरह से फर्दर इसकी प्रिपरेशन है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. सबसे पहले अल्कोहल. अल्कोहल को यूज करते हुए हम अल्कोहल के डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करवा के हम अल्काइल हैलाइड को तैयार करेंगे. सबसे पहला है हम अल्कोहल को अल्कोहल एंड एसिड है एसिड हैलाइड. अल्कोहल एंड एसिड हैलाइड. ठीक है, अब मैं खोल के देखती हूँ. सी अल्कोहल का फार्मूला सी एच थ्री बॉन्ड ओ एच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं अल्कोहल में ओ एच. ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप है ये. ठीक है, एंड प्लस एसिड हैलाइड. एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं. तो हम कैसे लिखेंगे? एच कोई भी हैलोजन ब्रोमीन ले लेते हैं. तो होता क्या है कि ये जो इसके ऊपर जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे ये अटैक करेगा इस पे. सॉरी अरे उधर चला गया. ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पे और ये मैं थोड़ा सा बॉन्ड शो कर देती और ये बॉन्ड टूट जाएगा ब्रोमीन पे. यानी ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव की फॉर्म. CH3 बॉन्ड ओ एच टू. ठीक है, प्लस बी आर नेगेटिव. जो बी आर नेगेटिव था ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया. ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा इस सी एच थ्री पे और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा वाटर पे. यानी वाटर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा. हमारे पास क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा? सी एच थ्री बॉन्ड बी आर प्लस H2O. H2O की तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि वो रिलीज हो गया. ठीक है, रह गया हमारे पास ये CH3 बॉन्ड बी आर. ये क्या है? अल्काइल हैलाइड. वही अल्काइल ग्रुप और साथ में हैलोजन. अल्काइल हैलाइड बना कि नहीं? ठीक है, इसी तरह से फर्दर ये सारे हो गए. इसी तरह से काफ़ी मेथड्स हैं. इसके बाद अल्कोहल एंड आपके पास आ जाता है नेक्स्ट मेथड है जिसमें हम लोग अल्कोहल को यूज़ करेंगे. वो है अल्कोहल एंड फास्फोरस ट्राइहैलाइड. ठीक है, अल्कोहल एंड फास्फोरस ट्राइहैलाइड. उसी तरह अल्कोहल लिखेंगे प्लस फास्फोरस ट्राइहैलाइड. फास्फोरस एक और ट्राइहैलाइड. मैं खोल के देखती हूँ. फास्फोरस हो गया, ट्राई मीन थ्री, हैलाइड मीन थ्री. हैलोजन इसके साथ अटैच होंगे. मैं क्लोरीन ले लेती हूँ जो भी है. ब्रोमीन ले लें, क्लोरीन ले लें, जो भी. ठीक है, अब उसी तरह ये ओ जो है ऑक्सीजन पे लोन पेयर है. ठीक है, तो ये क्या करेंगे? अटैक करेंगे फास्फोरस पे और यहाँ से एक बॉन्ड इसका निकल जाएगा. क्लोरीन एक निकल जाएगा. अब इसका बॉन्ड टूट जाएगा क्लोरीन पे. क्लोरीन नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा. इसके नेक्स्ट है क्या बन जाएगा? सी एच थ्री बॉन्ड ओ एच. ओ एच ने अपना बॉन्ड फास्फोरस के साथ बना लिया. ठीक, फास्फोरस सी एल सी एल. एक क्लोरीन निकल गया. ठीक है, सी एल नेगेटिव फॉर्म में. वो क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा सी एच थ्री पे और यहाँ से ये निकल जाएगा. हमारे पास क्या बनेगा? सी
अब हमारे पास जो बनने का प्रोडक्ट वो ये है, देखें इस तरह CH3 बॉन्ड Cl प्लस, यहाँ से ये बॉन्ड इसके ऊपर टूट गया, मतलब ये है कि यहाँ से ये OH निकल गया है, इसकी जगह क्लोरीन ने ले लिया, ठीक है, प्लस फॉस्फोरस।